उत्तराखंड के पर्यटन और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने आज अपने कुमाऊं दौरे की धमाकेदार शुरुआत की। कुमाऊं दौरे के पहले दिन पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सतपाल महाराज ने नैनीताल जिले के रामनगर में पर्यटन और सिंचाई विभाग की करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण किया। उसके बाद उधम सिंह नगर के काशीपुर में भी पर्यटन, सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग की 21 करोड़ 98 लाख की कई योजनाओं का लोकार्पण किया। सतपाल महाराज ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। लोकार्पण किए हैं और यहां पर ये जो हमारा सिंचाई विभाग का लघु सिंचाई के जो योजना है उनका लोकार्पण किया है और मैं समझता हूँ कि आगे हम यहाँ पर द्रोण सागर को और गिरिताल को भी पर्यटन सर्किट में लाएंगे, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। शिव सर्किट है जहाँ भगवान शंकर के जो मंदिर हैं वो डाले गए हैं, इसमें भगवान विष्णु के जो मंदिर हैं वो डाले गए हैं, भगवती के जो मंदिर हैं वो डाले गए हैं, इस प्रकार से डांडा नागराजा का, गोलजू देवता का, नवग्रहों के सर्किट्स बने हैं, तो इससे जो भी भक्तगण हैं वो अपने अपने सर्किट पर जाके लाभ उठा सकते हैं। रामनगर में पर्यटन विभाग की योजनाओं का लोकार्पण करने के बाद सतपाल महाराज काशीपुर पहुंचे और यहां लघु सिंचाई और सिंचाई विभाग की कई योजनाओं का लोकार्पण किया। सतपाल महाराज ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए सेवा भाव से काम करने की सलाह दी और कहा कि अधिकारी कार्यकर्ताओं के फोन जरूर उठाएं, कार्यकर्ता पार्टी की नींव होते हैं। मैंने कहा अधिकारियों को बताया है कि कार्यकर्ताओं की जो बातें हैं समस्या सुनी जाएं और उन पर तुरंत कार्रवाई हो, इसके लिए आदेश दिए गए हैं और मैंने कहा है अधिकारियों से कि लोगों के फ़ोन उठाइए, ऐसा कल्चर डेवलप किए कि लोगों की सुनी जाए और काम हो। अगर मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाएंगा तो मेरा भी कोई फ़ोन नहीं उठाएगा, तो निश्चित रूप में कल्चर का निर्माण होना चाहिए और वर्क कल्चर हमें जो है लोगों की समस्याएं सुन करके उस पर हम कार्रवाई करें। आपको बता दें कि सतपाल महाराज ने रामनगर में पर्यटन विभाग द्वारा लगभग 6 करोड़ की लागत से निर्मित कन्वेंशन सेंटर और कोसी बैराज के अपर और डाउन स्ट्रीम में 41 लाख से अधिक की लागत से निर्मित मनोरंजन पार्क के निर्माण और सौंदर्यकरण के कार्यों का लोकार्पण किया। सतपाल महाराज ने कहा कि पर्यटन विभाग ने सभी जनपदों में पौराणिक महत्व के भगवान विष्णु, भगवान शिव, नाग देवता और गोलजू मंदिर की जानकारी इकट्ठा कर सर्किट बनाने की पहल शुरू की है, जिससे कि उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को इन धार्मिक स्थलों के पौराणिक महत्व के बारे में जानकारी मिल सके। MI News